हे गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है एक्सेंचर के ऊपर। सो फाइनली एक्सेंचर ने वर्क फ्रॉम होम एंड कर दिया ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन हाँ भाई ऐसा कर दिया है क्योंकि भाई अभी ना बस ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको ऑफिस आना ही आना है, बट हमारे पास मेल आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि आपका क्यूबिकल असाइन हो गया, मेरा भी हो गया है क्यूबिकल असाइन। तो सब लोगों का क्यूबिकल असाइन हो गया है और उन्होंने बोल दिया कि अगर आप ऑफिस आना चाहते हो तो ऑफिस आके काम कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपकी मर्जी के ऊपर है। ऐसा नहीं, अभी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चल रहे थे, बट अब हाइब्रिड में अगर ये होता है ना, अगर वीक में अगर आपको 2 दिन आना है तो उसके लिए अगर आप लोकेशन पे गए, पुणे चले गए, जब मैं पुणे पे हूँ तो मैं पुणे चला गया तो वहां पे इश्यू आएगा ना, 2 दिन के लिए मुझे पूरा फ्लैट लेना पड़ेगा, सेटअप करना सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर नियर लोकेशन पे हो, जैसे आप पुणे में रहते हो एंड आप पुणे में आपका ऑफिस है तो आप पुणे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा भी लगेगा, कंपनी इसके लिए मना नहीं करेगी क्योंकि आपका क्यूबिकल अलॉकेट हो गया है, बहुत सारी चीजें जो आपको जाना चाहिए, लेकिन अच्छा भी लगता है यार क्योंकि कंपनी में जाओगे तो आपको पता रहेगा हाँ ये चीज होगी, नहीं तो पहले दिन जाओगे अच्छा ये क्या चीज है, ओटीसी क्या चीज होती है, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक क्या होता है। तो बेसिकली ऐसे ऐसे ब्लॉक बने होते हैं, जैसे मैं समझ लू मेरा घर है तो मेरे घर में बहुत सारे रूम बने हुए हैं, तो मैंने बोल दिया कि ये रूम है, चार रूम को मैं रूम ही बोलूंगा ना राइट, तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं। अब उसमें ओडीसी बने रहते हैं, ओडीसी लाइक क्या होता है ना, हर क्लाइंट का ना एक ओडीसी बना रहता है, ओडीसी क्लाइंट सेटअप करके जाता है कि भाई मेरा ओडीसी है एंड यहाँ पे काम होने वाला है, तो उस ओडीसी में आपका एक क्यूबिकल होगा जहां पे आपका सेटअप होगा एंड वहां बैठ के आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आप कंपनी चले गए एंड आपका कोई क्यूबिकल असाइन नहीं है तो आप कहाँ बैठ के काम करोगे राइट। तो एक क्यूबिकल होना चाहिए, अब ये कोई गला मजूरी थोड़ा ना भाई कि कहीं भी जाके बैठ जाओ, भाई प्रॉपर क्यूबिकल होना चाहिए, वहीं पे जाके आप काम करोगे ना, तो ये क्यूबिकल आपके असाइनमेंट असाइन हो गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि थोड़ा अच्छा भी लगता है कैसा आगे चला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक फिर ओडीसी एंड उसके बाद हमारे क्यूबिकल असाइन होते हैं, ये चीज है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है एक्सेंचर की साइड से कि आपको फोर्सफुली आना ही आना है, बट क्यूबिकल असाइन हो गए तो मैं बोलूंगा हाँ जिन लोगों को जाना है तो जा सकते हो एंड अगर कंपनी का दबाव आता है तो भाई जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना कि घर बैठ के पैसे बचाओ, जाना पड़ेगा। अगर मैं हूं तो मेरे पास कंपनी बोलती तो मुझे भी जाना पड़ेगा, भाई मैं भगवान थोड़े ना हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी जाऊंगा यार कंपनी बुला के। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है कंपनी जाने का, लेकिन अगर बनता है विद इन 1 मंथ एंड 2 मंथ तो डेफिनेटली मैं पुणे आने वाला हूँ दोबारा से एंड आना है ये यार, मैंने पुणे लोकेशन ही ली है, तो गाइस मैं पुणे मिलूंगा और आप लोगों के साथ मिलूंगा भी। तो गाइस इस वीडियो की एंडिंग भी यही करता हूँ, अगर आपको कोई इशू होता है ना तो मुझे बता देना। बाकी मैं एक और चीज बताने वाला हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है भैया मैं कोडिंग कहाँ से सीखूं, तो यार मैं एक ही बताने वाला हूँ फिलहाल। तो पहले तो मैंने आपको सेल्स फोर्स वाला बता दिया था एंड उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हैकर रैंक से भी आप कोडिंग सीख सकते हो। तो हैकर रैंक से आपको पाइथन वगैरह C++ के सारी चीजें आपको दे रखी होंगी, वहां पे आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे सीखोगे तो सारी चीजें आपको आराम से सीख सकते हो। बाकी गाइस बहुत सारे लोगों के डाउट ये भी रहते हैं कि भैया हम ये कोर्स कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का या अदर कोर्स, तो हम करें या नहीं करें। देखो यार मैं बताऊँ, अगर आपको ना डीपली नॉलेज लेनी है किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो आप कोर्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यार। देखो पैसा खत्म होता है, कोई भी कोर्स करोगे ना तो पैसा खत्म होगा, आपने ग्रेजुएशन की वहां पे भी पैसा खत्म हुआ था, लेकिन आपको वैल्यू कहाँ से मिल रही है वो चीज मैटर करती है। अगर कॉलेज लाइफ अलग होती है एंड अभी जो आप सीखोगे ना कोई भी कोर्स है तो वहां पे अच्छा खासा सीखने को मिलेगा, तो मैं बोलूंगा पैसा खर्च होता है, बट आप कोई कोर्स लेना चाहते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट या अदर कोई भी कोर्स है, कोई भी कोर्स हो, AWS है या सेल्स फोर्स का तो यार ट्रेल एड आई है, सबसे अच्छी चीज है, वहां पे फ्री में सारी चीजें सीख सकते हो। अदर कोर्सेज है जावा वगैरह के, तो आप कुछ भी सीखना चाहते हो आराम से सीख सकते हो, क्लाउड वगैरह, डेवऑक्स वगैरह एंड कुछ नाम भूल गया मैं, बहुत सारे कोर्सेज ना आप सीख सकते हो इन कोर्सेज को एंड इनकी मार्केट में काफी डिमांड भी है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आता है, मैंने बहुत सारे बोल के बहुत बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यार कॉमेंट इतने आते हैं ना, मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा यार, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो बना के सारी चीजें एक साथ कवर कर लो। तो बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया मेरी ये वाली टेक्नोलॉजी है तो इसकी मार्केट में आगे डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं बताऊँ यार आप ना लिंक्डइन पे हो तो वहां पे चेकआउट कर सकते हो एंड naukri.com पे भी चेकआउट करो कि जावा डेवलपर की क्या डिमांड है, अगर आप जावा डेवलपर डाल रहे हो तो कितनी जॉब निकल रही है, ये आप चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस डिमांड है इस टेक्नोलॉजी की, इसकी टेक्नोलॉजी की डिमांड है। आप चेकआउट तो करो, आप अपनी साइड से थोड़ा सा दोगे ना टाइम तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा किस चीज की कहाँ पे मार्केट में डिमांड है, और गूगल पे सर्च करो कौन कौन से कोर्सेज हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है, न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता मिलेगा एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।